नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मुक्ति ऑडियो बुक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस बुक समरी की बात करेंगे उसका नाम है द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बार ने। आप सोच रहे होंगे कि ये रहस्य क्या है, लेखक इसके बारे में बताते हैं। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं, एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम चांद के उतरने के पल को भी सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहां रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम है आकर्षण का नियम। द सीक्रेट आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीजें आती हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपके ओर आकर्षित होती हैं जो आपके मस्तिष्क में होती हैं। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर एक विचार वास्तविक वस्तु है जो एक शक्ति बनता है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है और यह अभूत चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से प्रभावित होती है। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रिक्वेंसी वाली चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक पहुंच जाती है और वह स्रोत आप हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूप के टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं दिखती, वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पर मौजूद समान चीजों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे शक्तिशाली होते हैं, जिसे चार्ल्स हार्नेल कहते हैं। इसे आप अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करते हैं तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। लेखक कहते हैं, निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है आकर्षण के नियम से। आपको बस अपने विचारों के बारे में जागरूक रहना है, अपने विचारों को सावधानी से चुनना है और इस प्रक्रिया में मजे लेना है, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाता है, क्योंकि विचार वस्तुएं बन जाती हैं। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी होता है, यह सटीक और अचूक है। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें से वे चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। एक दिन में 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। लेखक कहते हैं, आप इन विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते और इन विचारों को पहचानने के लिए आपको अपनी भावनाओं को पहचानना होगा, क्योंकि हमारी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण होते हैं। इस दुनिया को दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल होती हैं। कारण हमेशा आपके विचार होते हैं। भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोचते हैं। आप हर पल कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि आपके पास दो ही तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फक्र को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं
से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती, ये बुरी भावनाएं होती हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरी चीजों को आकर्षित करने के लिए फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है और बुरी चीजों की ज्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाता है, जिससे आप बुरा महसूस करते हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते, तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और ज्यादा परिस्थितियां लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। इसके उलट आपको अच्छा महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी भावना ब्रह्मांड की में संकेत की तरह जाती है और आपकी ओर उसी जैसी ज्यादा चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए आप जितना ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, आपकी ओर उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित होती हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं और लगातार ज्यादा ऊपर उठाती हैं। लेखक एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, अगर आप निराशा महसूस करते हैं तो आपको तत्काल उसी वक्त एक बढ़िया सा गाना लगा देना चाहिए जो आपको पसंद हो और उसे गुनगुनाना चाहिए। इससे आपका मनोभाव तुरंत बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज के बारे में सोचना शुरू करें, शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं, और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज में दिमाग में ना आने दें। थोड़ी देर बाद आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। अच्छी भावनाओं की सूची बना लें। अपनी भावनाओं को मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकता है और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकता है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। प्रेम सबसे उत्कृष्ट भावना है। रहस्य का प्रयोग कैसे करें? पहला कदम, मांगे। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बताएं कि आप आखिर चाहते क्या हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो भी चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप ये लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि। फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसा बनाना चाहते हैं। दूसरा कदम, यकीन करें। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करता हूँ। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास करना होगा कि जिस पल आपने उसे मांगा, उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी होगी। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज का ऑर्डर दे देते हैं तो आपको तसल्ली से बैठ जाना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर किया वह आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। आपको यह जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। आपको बस इंतजार करना है और मान लेना है वह चीज आपको मिल चुकी है। मानसिक तस्वीर देखना। अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीजों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर कृतज्ञता की शक्ति से आप उसे अपने पास लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज को सच करके आपके जीवन में उसे भेज देता है। लेखक कहते हैं, आपको कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको धन्यवाद की प्रक्रिया से शुक्रिया अदा करना है। आप जो भी चाहते हैं, आपको महसूस करना है, वो आपको मिल चुका है। इसके लिए आपको धन्यवाद कहना है। आप जो भी पाना चाहते हैं, उसको पाने के बाद आपको केवल एक ही शब्द कहना है, धन्यवाद। धन्यवाद
गॉड मुझे ये चीज मिल चुकी है, धन्यवाद गॉड मुझे ये चीज मिल चुकी है। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम, उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसे ही और नियामतें देगा। आप कृतज्ञता के फ्रिक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपको तमाम अच्छी चीजें मिल जाएंगी। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक पहुंच जाएगी। कृतज्ञता का नजरिया रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानसिक तस्वीरें देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ही ध्यान केंद्रित करें। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं तो आकर्षण का नियम जल्दी ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार लाए उसी पल उसे फौरन बाहर निकाल दें, उस विचार को फौरन बाहर भेज दें। उसकी जगह ये सोचें, मैं जानता हूं कि यह चीज मुझे मिल रही है, और इसे फील करें। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, आप वह हैं जो आपने अभी तक सोचा है। लेखक एक सुझाव देते हैं, आप अपनी जिंदगी में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसका एक विजन बोर्ड बनाएं। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीजों को चाहते हैं, अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहां पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड ऐसी जगह रखें जहां आप उसे हर दिन देखें, जैसा आप फील करना चाहते हैं। उन चीजों के अपने पास होने की भावना महसूस करें। जब आप पालें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। यह आकर्षण का नियम अपनाने का एक अद्भुत तरीका है जिसे दुनिया भर के माता पिता और शिक्षक बच्चे कोई भी अपना सकता है। धन्यवाद दोस्तों।